चलिए ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख रहे थे, किस तरीके से स्पर्म और ओवम के मिलने से हम लोग फैलोपियन ट्यूब के अंदर देखे हुए थे। अगर आपको याद आ रहा होगा वो स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे। ये आपका यूट्रस था और यूट्रस से फिर आपका फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जा रहा था, कुछ इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट था। ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास के अंदर कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हम लोग देख लिए थे कि इस जगह पे जो है आपका स्पर्म और ओवम आकर के मीट कर रहा था, उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। नंबर वन वाज इनसेमिनेशन, नंबर टू वाज कैपेसिटेशन, देन सिनगैमी, देन प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन एम्फीमिक्सिस। तो स्टेप वाइज हम लोग एक एक चीज को देख लिए थे, किस तरीके से स्पर्म और ओवम मिलने से आपका जो है दोनों का फ्यूजन, दोनों का जो मीटिंग कराना था, दोनों को जो उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो चीज हम लोग पिछले क्लास में करा के देख लिए थे। उसका रिजल्ट से कुछ इस जगह पे आपका बन गया था एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर। अगर आपको याद आ रहा होगा आपका ओवम यहीं तक आके रुकी थी और इस ओवम से मिलने के लिए कौन आ रहा था, स्पर्म आ रहा था। ये स्पर्म और ओवम मिल गया, हम लोग देखे किस तरीके से स्पर्म अपना पूरा बॉडी को बाहर छोड़ दिया, सिर्फ अपना हेड को ओवम के अंदर डाल दिया, वहां पे जाने के बाद फिर अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी हाँ? उसका हेड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट था वो अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी स्पर्म छोड़ दिया, ओवम भी छोड़ दी और दोनों का क्रोमोसोम मिल गया। लास्ट में एक सिंगल सेल हम लोग को देखने को मिल रहा था। तो आज की क्लास में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग पिछला क्लास छोड़े थे, यानी कि वही एक सिंगल सेल। अच्छा बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं इससे पहले का स्टेप, इससे पीछे का स्टेप क्या हुआ होगा, तो यहां पे ओवम आई होगी, इधर से स्पर्म गया होगा और स्पर्म और ओवम का मीटिंग हुआ होगा। एज अ रिजल्ट दिस सिंगल सेल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जायगोट। जायगोट इसी से लाइफ का स्टार्टिंग होता है। मतलब एक सिंगल सेल की अगर बात करें, मतलब अगर बात करें कि हमारा लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ था, तो हमारा लाइफ भी स्टार्ट हुआ था एज ए सिंगल सेल। आपका लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, अभी तो भाई आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन आपका जो लाइफ का जो उत्पत्ति है, जो ऑरिजिन, जो स्टार्टिंग है लाइफ का आपका, तो वो हुआ था आपका एक सिंगल सेल से, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जायगोट बोल रहे हैं। लेकिन भैया ये बात कुछ हजम नहीं हो रहा है कि सर एक एक यहाँ सेल है और यहां से एकदम बहुत सारे सेल बनना है सर, मतलब क्या ये सेल डिवाइड करेगा? जी हां, ये सेल यहां पे डिवाइड करेगा, बहुत सारे डिविजन्स करते हैं और ये सभी डिविजन्स को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। ये सभी डिविजन्स को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज बोलते हैं, जिस डिविजन की वजह से एक तरह का माइटोटिक डिविजन है ये भी, लेकिन एक तरह का माइटोटिक डिवीजन है ये भी, लेकिन माइटोसिस से कुछ कुछ कंडीशंस में, कुछ कुछ टर्म्स में ये अलग है, ये क्लीवेज का डिवीजन। देखिए कैसे कैसे अलग है हम लोग बात कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, वापस से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, बहुत वाइटल क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपका पूरा बोर्ड पर होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं ना कि हमारा क्लास का स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे वो सिंगल सेल जायगोट बन गया। अच्छा ये जायगोट यहाँ पे बन गया है, दिस जायगोट will start to divide into many cells and this process of division, although it is a mitotic division, but specific name is given and that name is cleavage. Cleavage ka matlab tootna, todna. But why special name is given? इसको सिंपल माइटोसिस क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि भैया कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस होता है। देखिए कैसा कैसा यहाँ पे डिफरेंसेस होता है, ये जो माइटोसिस यहाँ पे होता है ना, ये माइटोसिस क्लोज्ड माइटोसिस होता है। ये सेल डिवाइड करना है, देखिए कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ये डिवाइड, इसके अंदर बहुत सारे छोटे 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 सेल्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर आगे बढ़ेगा और छोटे छोटे सेल्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से है। फैलोपियन ट्यूब से बाहर नहीं आएगा, अंदर में ही प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में, धीरे धीरे फिर इधर चलना शुरू करेगा। लेकिन ये जो डिवीजन, ये जो माइटोसिस हो रहा है, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस। नाउ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात समझने वाला है, नॉर्मल सेल के अंदर जो माइटोसिस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन माइटोसिस या फ्री माइटोसिस, एकदम आराम से वो माइटोसिस बिना, हम लोग देखिए नॉर्मल सेल में हम लोग माइटोसिस देखे थे, हम लोग क्या देखे थे, माइटोसिस से पहले क्या हो रहा था, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपीयर करना स्टार्ट किया था। बोलिए क्या था, क्या
हाँ, अरे माइटोसिस क्लास 11th का याद करो ना, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपीयर, यही लाइन लिखा होगा नोट्स में भी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसअपीयर करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो माइटोसिस यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जो है इंटैक्ट रहेगा, मतलब वैसा का वैसा ही रहेगा। इसीलिए इस माइटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज्ड माइटोसिस। इसके अलावा आप अगर याद करेंगे तो माइटोटिक डिवीजन के अंदर हम लोग देख रहे थे ना कि दो माइटोटिक डिवीजन के अंदर एक रेस्टिंग फेज आ रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटरफेज बोल रहे थे। याद कीजिए, इंटरफेज द लॉन्गेस्ट फेज, द फेज बिटवीन टू कंसेक्यूटिव माइटोटिक डिविजन्स वॉज कॉल्ड एज इंटरफेज। अरे क्लास 11th का सेल बायोलॉजी याद है, 23 घंटा का इंटरफेज, 1 घंटा का माइटोटिक फेज, एम फेज बोल रहे थे। बोलिए तो इंटरफेज के अंदर क्या क्या स्टेजेस था, G1, S, G2। बहुत बढ़िया, हम ही तो पढ़ाए हैं G1, S और G2 फेज, ये तीनों फेज पर। नॉर्मल माइटोसिस के अंदर ये इंटरफेज होता है, लेकिन आपका ये जो माइटोसिस यहाँ पे जो क्लीवेज होना है ना, इस केस में ये जो माइटोसिस होगा इसका इंटरफेज जो होगा ये काफी शॉर्ट इंटरफेज होगा। सो दिस इज द डिफरेंस, हाउ विल बी द इंटरफेज, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट इंटरफेज, क्योंकि आपको पता है यहां पे आपका G1 नहीं होगा, G2 भी नहीं होगा, केवल यहां पे क्या होगा, S फेज होगा। कहे कि यहां पे कोई प्रोटीन वगैरह नहीं बनाने की जरूरत पड़ता, कोई प्रोटीन, कोई RNA कुछ भी यहां पे नहीं बनता है, डायरेक्ट जो है सेल डिवाइड करते रहता है, सिर्फ उसके अंदर का न्यूक्लियस का DNA रेप्लीकेट करता है। और DNA रेप्लीकेशन के लिए कौन सा स्टेज, S फेज है, सिंथेटिक फेज बोलते हैं। तो यहां पे आपका DNA का रेप्लीकेशन होगा और DNA से जुड़े हुए कुछ प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ये सब का डुप्लीकेशन यहां पे होगा S फेज के अंदर। इसलिए हम लोग इसको माइटोसिस ना बोल करके, नॉर्मल माइटोसिस ना बोल करके, इसको हम लोग नया नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीवेज हो रहा है यहां पे। देखिए भैया, यहां आपका सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था, आपका एक सेल डिवाइड करके दो सेल, दो सेल डिवाइड करके चार सेल, चार सेल डिवाइड करके आठ सेल, आठ से 16 से 32, इस तरीके से ये डिवाइड करता हुआ चलेगा। जब सिंगल सेल था हम लोग इसको क्या नाम बोल रहे थे, जायगोट बोल रहे थे। जब ये सेल 16 से 32 स्टेज का पहुंच जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, जब इसके अंदर 16 से 32 को छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, इस स्टेज का हम लोग बोलेंगे मोरूला। सो पहले क्या बना, जायगोट, सेकेंड नंबर पे क्या बना, मोरूला बना। मोरूला फिर आपका धीरे धीरे चलना शुरू कर देगा यूट्रस की तरफ। अरे यूट्रस का डायग्राम है ये, याद कीजिए, ये यूट्रस का डायग्राम है, हाँ? देखिए कुछ इस तरीके से यूट्रस का डायग्राम है। आपको तो पता है ना, जो जो बेबी का जो डेवलपमेंट होना है, क्या बेबी फेलोपियन ट्यूब में ग्रो करेगा, नहीं, बेबी कहाँ पे डेवलप करेगा, विद इन दिस यूट्रस, यूट्रस में, यहाँ पे कहीं पे इम्प्लांट होना है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँच करके इस यूट्राइन वॉल के साथ ये चिपक जाएगा, है? तो यूट्रस उसको बुला रहा है कि धीरे धीरे से जो है अब तुम मेरे तरफ आना शुरू कर दो। ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। अब देखिए इसके पास पैर तो है नहीं कि खुद का पैर से चलेगा, तो भैया फेलोपियन ट्यूब में सीलिया प्रेजेंट होता है, जो सीलिया उसको ऐसे ऐसे करके अपने तरफ खींचते रहता है, किसके तरफ, यूट्रस के तरफ, है? धीरे धीरे ये स्ट्रक्चर कहां पहुंच जाएगा, यूट्रस के पास पहुंच जाएगा। और जब ये यूट्रस के पास पहुंच जाएगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला, तब इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टुला। बोलिए अभी तक हम लोग तीन को नया वर्ड सीखे, पहले क्या बना, जायगोट, जायगोट के बाद क्या बना, मोरूला, मोरूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला, या इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट आपका। अच्छा, अब अगर आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फेलोपियन ट्यूब इज, ऑप्शन ए जायगोट, ऑप्शन टू मोरूला, ऑप्शन थ्री ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन फोर बोथ ए एंड बी, क्या रहेगा आपका आंसर, हाँ बोथ ए एंड बी, यानी कि जायगोट भी और मोरूला भी है। जैसे ही वो यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस का माउथ के पास यहां पे आ जाएगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स देख रहे हैं ना आप, ये सब सेल, या फिर ये सब सेल भी आप देख रहे हैं, ये सब सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स।
ब्लास्टोमियर्स। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, हमको याद है कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे ये सब चीज के बारे में हमको काफी प्रॉब्लम हो रहा था, जिस वजह से हमारा वीक पॉइंट बन गया था ये पोर्शन। तो हमको पता है जब हमारा वीक पॉइंट बना है तो आपका भी बन सकता है, इसीलिए जो पॉइंट हमको लगता है कि यहाँ फिसल सकते हैं उस पॉइंट में हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको नाम पे ज्यादा फोकस करना है, आई रिपीट, यहां पे आपको नाम पे ज्यादा फोकस करना है। फिर से हम बात कर रहे हैं, जो पहला स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोल रहे हैं, जायगोट बोल रहे हैं। जायगोट के अंदर लगातार डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन, वैसा डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। डिवीजन करते करते 16 से 32 सेल का स्ट्रक्चर बन गया, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। मोरूला के बाद मोरूला अब थोड़ा सा जो है यूट्रस की तरफ आने लग गया, नंबर ऑफ सेल और इंक्रीज करने लगे, 32 से 64 होने लग गए, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बना, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन के अंदर अंदर में, 3 डेज के अंदर अंदर में आपका मोरूला बन जाता है, है? बाय द 3rd डे, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, 1 दिन, 2 दिन, 3rd दिन होते होते आपके बॉडी के अंदर मोरूला का डेवलपमेंट हो जाएगा। 4th दिन आते आते आपके अंदर ब्लास्टुला बन जाएगा, है? और ये ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट यही जो है आपका इम्प्लांट कर जाता है इनटू द यूट्रस, इनटू द यूटराइन लाइनिंग। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप आधा छोड़ दिए, यहां पूरा इसको चिपकाइए ना और क्या क्या प्रोसेस है बताइए ना। तो भैया बताएंगे, पहले हम लोग क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है? यहां पे ऐसा नहीं है कि तुरंत ही चिपक जाएगा, यहां पे भी बहुत कुछ होना है, है? अब आप लोगों का ध्यान कि सर थोड़ा सा यहां पूरा का पूरा बेबी बना दीजिए ना यहां पे। तो भैया बनाएंगे, जब टाइम आएगा बेबी जरूर बनाएंगे, हम भी और आप भी। फिलहाल के लिए हम लोग क्लीवेज पे ध्यान देते हैं। देखिए क्लीवेज किस तरह से होता है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। अब आपको ब्लास्टोमियर समझ में आ गया होगा, वो जो सेल्स बनते हैं वही सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर का फेट, फेट मतलब होता है नसीब, किस्मत। ब्लास्टोमियर का फेट के अकॉर्डिंग क्लीवेज यानी कि ये जो टूटने का जो प्रोसेस हो रहा था, डिवीजन का प्रोसेस हो रहा था, इसको हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। एक को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट, दूसरे को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। यहां पे नाम में ही काम है, है? डिटर्मिनेट का मतलब है डिटरमाइंड है, एकदम दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि भैया एक आपका जो स्ट्रक्चर बन गया है यहां पे जितना ब्लास्टोमियर बना है, जो ब्लास्टो, हर एक ब्लास्टोमियर का अपना अपना काम निर्धारित हो गया है, है? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं द फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड, इट इज डिटरमाइंड। जो ब्लास्टोमियर से जो बनना है वही चीज बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। बताइए ऐसे केस में, अच्छा इसको हम लोग बोल देते हैं फेट ऑफ द ब्लास्टोमियर इज फिक्स्ड। हर एक ब्लास्टोमियर को अपना अपना काम निर्धारित हो जाता है कि भैया तुम आगे चल करके हाथ बनाएगा, तुम आगे चल करके पैर बनाएगा, जिसको जो काम है वो फिक्स्ड हो जाता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन से, इसी कंडीशन में फिक्स्ड हो जाता है। सोचिए अब बताइए, मान लीजिए जो ब्लास्टोमियर यहां से आंख बनाने वाला था वो ब्लास्टोमियर किसी कारणवश यहां पर मान लीजिए डैमेज हो गया, तो क्या आप दूसरा ब्लास्टोमियर उसका काम को कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट जो जो जितना पार्ट ऑफ द ब्लास्टोमियर इज लॉस्ट, दैट इज डैमेज्ड, इफ सम पार्ट ऑफ दिस ब्लास्टोमियर आर डैमेज्ड देन द फ्यूचर ऑर्गन विल बी लॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। लेकिन खास बात यह है, अच्छी बात यह है कि ऐसा क्लीवेज ह्यूमन के अंदर होता ही नहीं है, अंदर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मोलस्का, निमाटोडा, एम्फीबिया वगैरह, ये सब के अंदर ये इस तरह का क्लीवेज प्रेजेंट होता है। हमारे अंदर जो क्लीवेज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। द फेट इज नॉट फिक्स्ड, क्या होना है, कौन सा ब्लास्टोमियर से, ये बात यहां पर फिक्स्ड नहीं है। मतलब बताइए यहां पर अगर
कुछ ऐसा आप बना दिए, इसके अंदर बहुत सारे ब्लास्टोमियर बना दिए, इसमें से अगर आप दो चार को ब्लास्टोमियर निकाल भी लीजिएगा ना, तो बाकी ब्लास्टोमियर मिलकर उसका काम कर देगा। कहे कि यहां डिसाइडेड नहीं है, यहां पे फिक्स्ड नहीं है कि इसी ब्लास्टोमियर को यही काम करना है। ये ब्लास्टोमियर अगर आप हटा देंगे, दूसरा ब्लास्टोमियर आकर के इसका काम कर देगा। द फेट इज नॉट फिक्स्ड, इनडिटर्मिनेट टाइप्स को बोलते हैं। ह्यूमंस वगैरह के अंदर इस टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। इफ सम पार्ट ऑफ दिस ब्लास्टोमियर या फिर सम ब्लास्टोमियर्स आर डैमेज्ड, देन द फ्यूचर ऑर्गेन वोंट बी डैमेज्ड, वोंट बी लॉस्ट। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, जो प्री एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से पहले का स्टेज जो है, ये मान लीजिए किसी कारणवश डिवाइड हो गया दो सेल के अंदर, हाँ, ये डिवाइड हो गया दो स्ट्रक्चर के अंदर, ये डिवाइड हो गया। अब बताइए, दो स्ट्रक्चर के अंदर मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये जो प्री एम्ब्रियो था ना, ये डिवाइड हो गया दो स्ट्रक्चर के अंदर, तो ऐसा बात नहीं है कि ये आधा बनेगा, हाँ, इंसान का आधा शरीर इधर से बनेगा, आधा शरीर इधर से बनेगा। पता चला डॉक्टर जब सर्जरी कर रहा है डिलीवरी के समय, तो एक बार आधा तो शरीर निकाला, फिर उसके आधा घंटा के बाद फिर दूसरा आधा वाला शरीर निकाला, ऐसा बात नहीं है। यहाँ आधा हो जाने से क्या होगा, यहाँ पे हर एक ब्लास्टोमियर पूरा का पूरा बॉडी बना सकता है। एज अ रिजल्ट ये भी एक नया इंडिविजुअल बनाएगा और ये भी एक नया इंडिविजुअल बनाएगा, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं ट्विन्स। बताइए तो कैसा वाला ट्विन बनेगा यहाँ पे, आइडेंटिकल ट्विन की नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स? आइडेंटिकल ट्विन्स यहाँ पे बनेगा। काहे आइडेंटिकल ट्विन्स बनेगा, एक ही एम्ब्रियो से है, बिल्कुल एक ही स्ट्रक्चर से बन रहा है। नॉन आइडेंटिकल का हम क्या बताए थे कि उधर से भी ओवम निकल गया, इधर से भी ओवम निकल गया, स्पर्म तो बहुत सारा जा रहा था, फर्टिलाइज कर गया, दो अलग अलग बना दिया, तो नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स है, है? लेकिन ये जो ट्विन्स है ये आइडेंटिकल ट्विन्स बनेगा। लिख देते हैं हम लोग, आइडेंटिकल ट्विन्स यहां पे बन गया कुछ इस तरीके से। अगर यहां पे डिवाइड करके दो स्ट्रक्चर में बन जाता है तो स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट भी यहीं से है, ह्यूमन को क्लोनिंग करने का भी कॉन्सेप्ट यहीं से है। आप लोग सुनते होंगे कहीं कहीं या फिर मूवीज, फिक्शन मूवीज वगैरह के अंदर देखते होंगे हॉलीवुड मूवीज में, कि जो है कि इंसान मर गया फिर भी उसका क्लोन बना करके उसको जिंदा कर दे रहा है। जी हाँ, उसका कॉन्सेप्ट भी यहीं से है। यहां का हर एक ब्लास्टोमियर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द होल बॉडी, मतलब किसी इंसान का एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर आप ये सब सेल को हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल, क्या कि ये पूरा का पूरा बॉडी बनाने में सक्षम होता है। किसी इंसान का एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आप ये सब कुछ सेल को यहां से निकाल कर रख लीजिए प्रिजर्व, फिर वो इंसान मर भी जाएगा ना, दोबारा से आप यहां से एक नया बॉडी मतलब उसी इंसान को रीजनरेट कर सकते हैं, है? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्लोनिंग वगैरह का, ये सब चीज यहां था। हालांकि ये सब चीज जो है गवर्नमेंट वगैरह से बैंड होता है, कुछ सोशल एथिकल इश्यू से ये सब चीज पे जो है बैंड लगा हुआ है, ये सब चीज हो नहीं सकता है, पॉसिबल है लेकिन फिजिबल नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, और प्रैक्टिकल ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नहीं है। कुछ इस तरीके से होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। हमारे अंदर कौन सा क्लीवेज होगा? इनडिटर्मिनेट। ये हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ amount of yolk, amount of yolk। yolk तो हम लोग बताए थे जब हम लोग एक का टाइप पढ़ रहे थे, तभी हम लोग yolk का बताए थे, yolk और cytoplasm के बारे में बात कर रहे थे कि yolk का बेसिस पे हम लोग जो क्लीवेज है उसको हम लोग बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। उससे पहले एक साइंटिस्ट क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप सबसे, हाँ, इससे पहले हम लोग क्लीवेज का क्लासिफिकेशन करें। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जो आपसे बात करना चाहते हैं, जरा दो मिनट चचा से बात कर लीजिए। इनका नाम है बेलफोर, हाँ, और ये क्या बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योक। ये कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत वाइटल है। साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेलफोर, बेलफोर्स लॉ भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या बोले ना कि जिस एग में अमाउंट ऑफ योक ज्यादा, हम लोग देखे थे ना मेगालेसिथल एग या पॉलीलेसिथल एग, तो जिस एग के अंदर योक का अमाउंट ज्यादा उसके अंदर क्लीवेज का रेट कम, जिस एग के अंदर अमाउंट ऑफ योक कम उसके अंदर रेट ऑफ क्लीवेज ज्यादा।
अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, है? तो काहे ऐसा, काहे कि जहां पे यॉर्क रहेगा ना वहां पे डिवीजन कम होगा या नहीं होगा, बाकी साइटोप्लाज्म जहां जहां पे होगा वहां पे जो डिवीजन है वो ज्यादा तेजी के साथ होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ क्लीवेज, मतलब यॉर्क जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे क्लीवेज कम होगा, क्लीवेज कम होगा उसके वजह से सेल तो बनेंगे, ब्लास्टोमियर तो बनेंगे, बड़े बड़े ब्लास्टोमियर बनेंगे, और जहां पे क्लीवेज ज्यादा हो जाएगा वहां पे ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ जाएगा लेकिन साइज ऑफ द एम्ब्रियो विल नॉट चेंज। बहुत वाइटल स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब ब्लास्टोमियर का डिवीजन होता है, जब ब्लास्टोमियर का डिवीजन होता है तो साइज ऑफ द एम्ब्रियो डज नॉट इंक्रीज बट द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर डिक्रीजेस। ये तो ऐसा बात हो गया ना कि मान लीजिए आप अगर एक एक हंडी लिए, हंडी में आप जो है कि आलू बॉयल करने के लिए दे दिए, बड़का बड़का आप चार गो आलू बॉयल करने दे दिए, लेकिन आपके घर में एक छोटका बच्चा है जो रोज बोलता है कि नहीं हमको, हम अकेले चार गो आलू खा लेंगे, इसलिए आठ गो आलू बॉयल करने देना पड़ेगा। लेकिन आप तो पेरेंट हैं तो आप तो बुद्धिमान है ना, आप क्या करेंगे, आठ गो आलू बड़का बड़का दे दीजिएगा और बर्तन को भी बड़का सा हंडा चढ़ा दीजिएगा। नहीं, आप आठ गो आलू कैसा कर दीजिएगा, छोटा छोटा कर दीजिएगा ताकि उसी बर्तन में एकोमोडेट हो जाए। तो जब वो ब्लास्टोमियर जो आपको बनाए थे कुछ इस तरीके से, देखिए ब्लास्टोमियर अभी मान लीजिए चार गो है, कुछ समय के बाद ये आठ गो बन जाएगा तो एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ेगा बल्कि ब्लास्टोमियर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। बच्चा भी खुश, आप भी खुश है? तो इस तरीके से ये डिवीजन होती है। बेलफोर साहब का लॉ हो गया। चलिए हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं कि अब जो है इसके बेसिस पे कितना टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, इस बेसिस पे हम लोग क्लीवेज को डिवाइड कर सकते हैं दो तरह का। एक को बोलते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज और एक को बोलते हैं मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलो मतलब होता है होल, पूरा है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब पूरा क्लीवेज, मतलब अगर आपका ये ब्लास्टोसिस्ट है या आपका मोरूला है या जो भी आपका प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वो स्टेज के अंदर जो डिवीजन होगा ना वो पूरा डिवीजन आर पार होगा, जबकि मीरोब्लास्टिक के अंदर जो डिवीजन होगा वो इनकम्प्लीट डिवीजन होगा। काहे भैया इनकम्प्लीट डिवीजन होगा, कहे कि ऐसे डिवीजन वहीं पे होते हैं जो सेल के पास यॉर्क ज्यादा प्रेजेंट होता है। बताइए तो यॉर्क ज्यादा किसके पास प्रेजेंट होगा, मेगालेसिथल एग के पास। इसीलिए मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो है ये मेगालेसिथल एग के पास होता है। ये आप समझ लीजिए, आपको याद करने का एक ट्रिक हो गया। अभी हम लोग बात कर रहे हैं टाइप ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। दो टाइप का, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक के अंदर पूरा डिवीजन, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे कंप्लीट डिवीजन या कंप्लीट क्लीवेज, जबकि मीरोब्लास्टिक को हम लोग बोल देंगे इनकंप्लीट क्लीवेज। काहे भैया इनकंप्लीट, काहे कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है योक। और आपको तो बताए थे ना हम, क्या बेलफोर साहब बोल करके गए कि जहां पे यॉर्क रहेगा वहां पे डिवीजन कम होगा, और ये मेगालेसिथल सेल के अंदर तो यॉर्क ज्यादा होता है इसलिए इसका डिवीजन जो है यॉर्क में नहीं होता है बल्कि साइटोप्लाज्म में खाली डिवीजन, इसलिए इसका डिवीजन कैसा होगा, इनकम्प्लीट डिवीजन। अब देखिए होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट डिवीजन किस तरीके से होता है, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो टाइप में। एक को बोलते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरे को बोलते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। बात को समझिए, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये होता है आपका आइसोलेसिथल सेल्स के अंदर, आइसोलेसिथल एग के अंदर। आइसो मतलब क्या, सेम, जिस एग के अंदर यॉक का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अरे अंडा में पीला वाला पार्ट को यॉक बोलते हैं ना, उसी यॉक के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यॉक जो है ना पूरा हर तरफ इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, जिसके वजह से साइटोप्लाज्म योक दोनों ही प्रेजेंट होता है, हल्का हल्का प्रेजेंट होता है योक भी यहां पे, जिसके वजह से यहां पे जो डिवीजन होगा ना एकदम इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर यहां पे बनेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। काहे कि आइसोलेसिथल सेल है, हर तरफ समान, एक समान, एक जैसा योक प्रेजेंट है।
जबकि अनइक्वल टाइप में जब हम लोग देखेंगे तो ये आपका होता है मीजोलेसिथल एग के अंदर, मीजोलेसिथल, जहां पे आपका थोड़ा सा साइटोप्लाज्म रहेगा और थोड़ा सा यॉक रहेगा। बताइए ना, जहां पे आपका यॉक रहेगा वहां पे डिवीजन कैसा, ज्यादा कि कम? कम डिवीजन है। अरे बेलफोर साहब बोले ना, जहां पे यॉक रहेगा वहां पे डिवीजन कम रहेगा। डिवीजन कम तो ब्लास्टोमियर का नंबर कम, बट द साइज ऑफ ब्लास्टोमियर विल बी मोर। कुछ इस तरीके से देखिए, बड़ा बड़ा सेल, इलॉन्गेटेड बड़ा बड़ा सेल यहाँ पे बन गए बिकॉज यहाँ पे यॉक प्रेजेंट है। इधर में आपका साइटोप्लाज्म है, तो इधर में तो आपके बहुत ज़्यादा क्लीवेज होगा, इसका मतलब बहुत सारे आपके छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स बन जाएंगे। द साइज ऑफ द ब्लास्टोमियर्स विल बी लेस बट द नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर विल बी हाई। किस एग के अंदर होगा? मीसोलेसिथल एग के अंदर होगा, क्या कि इसके अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी रहेगा और थोड़ा सा यॉक भी प्रेजेंट होगा। ये हो गया आपका होलोब्लास्टिक, ये मीसोलेसिथल के अंदर होता है। लेकिन एक्सेप्शन, ये ह्यूमन एग में भी ऐसा ही टाइप का डिवीजन होता है, ध्यान रखेंगे, ह्यूमन एग इज द एक्सेप्शन। अरे ह्यूमन का तो मीसोलेसिथल थोड़ा ना होता है, ह्यूमन का एलेसिथल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीरोब्लास्टिक पे, जहां पे डिवीजन पूरा कंप्लीट नहीं होगा, कहे कि यहाँ पे यॉक ज्यादा प्रेजेंट होता है, कहे कि मेगा लेसिथल सेल के अंदर होता है। मेगा मतलब ज्यादा, लेसिथल मतलब यॉक, जहां पे यॉक का अमाउंट ज्यादा रहता है। ये भी क्लीवेज जो है दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं डिस्कॉइडल, एक को बोलते हैं सुपरफिशियल। कुछ इस तरीके से आपको बताए थे कि मेगा लेसिथल है, इसका मतलब इसका पूरा का पूरा जो एग है इसके अंदर आपका यॉक प्रेजेंट है, पूरे के पूरे एग में आपका यॉक प्रेजेंट है। लेकिन इसका एकदम टर्मिनल पार्ट, एकदम साइड वाला पार्ट जो है साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है, पॉलीलेसिथल है या मेगालेसिथल है, है इस तरीके से प्रेजेंट है, जिसके वजह से जो ब्लास्टोमियर बनेंगे आपके एकदम टर्मिनल पार्ट पे थोड़े थोड़े ब्लास्टोमियर बनेंगे। काहे कि बेलफोर साहब क्या बोल के गए, जहां पे यॉक रहेगा वहां पे डिवीजन नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा यॉक है, खाली ऊपर में थोड़ा सा कोना में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है जहां पे साइटोप्लाज्म है, एज अ रिजल्ट वहीं पे क्लीवेज हो रहा है, एज अ रिजल्ट इसको हम लोग बोलते हैं डिस्कॉइडल क्लीवेज। किसके अंदर होगा ये? ये होता है टीलोलेसिथल एग के अंदर। आप लोग एग याद कीजिए, टीलोलेसिथल यानी कि प्रोटोथेरियन बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ऐसा क्लीवेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइप इज सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल के अंदर देखिए कैसा होता है, कुछ इस तरीके से आपका एग प्रेजेंट, कुछ इस तरीके से आपका प्रीएम्ब्रियो प्रेजेंट है, है इसके अंदर आपका बीच में यॉक प्रेजेंट होता है और साइड साइड में पूरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, है। और हमारा लॉ क्या बोलता है कि जहां पे यॉक रहेगा वहां पे ब्लास्टोमियर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे, जो साइड साइड वाला एरिया है इधर में आपके ब्लास्टोमियर बनने लग जाएंगे। इसीलिए तो ऐसा क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल क्लीवेज। और ये होगा सेंट्रोलेसिथल एग के अंदर। सेंट्रोलेसिथल मतलब क्या? यॉक एट द सेंटर, इसीलिए जो आपका ब्लास्टोमियर बनेगा एट द पेरिफेरी, एट द सुपरफिशियल साइड। ये होता है एग्जाम्पल इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा क्लीवेज देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से ये सब चीज होता है होलोब्लास्टिक के अंदर, इक्वल और अनइक्वल। अनइक्वल में आप देखिएगा ना, तो एक टाइप का सेल छोटा छोटा बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोमियर, माइक्रोमियर्स। अरे वही ब्लास्टोमियर का मियर को लिया गया और माइक्रो मतलब छोटा, बड़े वाले सेल को बोलिए क्या बोलेंगे, मेगामियर या मैक्रोमियर, है कुछ इस तरीके से ये क्लीवेज होता। तो अभी तक हम लोग बात किए हैं क्लीवेज के बारे में, क्लीवेज को हम लोग दो तरीकों से डिवाइड किए हैं। पहला हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। नेक्स्ट हम लोग डिवाइड किए ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक, होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक। फिर हम लोग इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।